हेलो, नमस्कार। आज हम बनाएंगे रमास की फली। तो ये रमास की फली है, ये देखिए। जो है ना, हरी होती है, कच्ची होती है ना, वो तो टूट जाती है हाथ से ही। तो इसका मतलब है कि वो हमारी है ना अच्छी बीन्स है। और है ना, कुछ ऐसी होती है जिसमें कि सीड पड़ जाता है। ये देखिए, जैसे इसकी सीड है ना, उसकी सीड मैंने निकाल ली है, जो हरी हरी है उसको मैंने कट कर लिया है। तो जिसकी सीड है उसको साइड में रख दिए हैं मैंने, और ये कट कर लिए हैं। इसके लिए हमें लगेगा ये ना लहसुन है और एक प्याज है ना। तो मैंने ये रफली चॉप कर लिया है, दोनों रफली चॉप किए हैं। और ये है ना हमारी बीन्स, ये देखिए, ये है ना 400 ग्राम है ये। और इसके जो हार्ड बीन्स हैं वो मैंने निकाल दी। ना, तो हमारी है ना एक प्याज रेडी है और लहसुन रेडी है। अब हम ऑयल लेंगे, ये देखिए, और ऑयल में जीरा डालेंगे, अब हींग डालेंगे, और अब लहसुन डाल देंगे। हमें जलाना नहीं है किसी भी चीज को। और अब सॉटे करेंगे 1 मिनट। अब हम प्याज डाल देंगे, किसी भी चीज को भूनना नहीं है, बस वन बाई वन डालते जाएंगे हम और सॉटे करते जाएंगे। ये देखिए, अब हम बीन्स डालेंगे इसमें। ये देखिए, रमास की फली है ये। रमास की फली आजकल सर्दियों में है ना बहुत टेस्टी आती है, इनका टेस्ट है ना बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, और इसको हम 1 मिनट सॉटे करेंगे। और अब हम है ना आलू लेंगे और छोटे छोटे पीस में डालेंगे कट करके। ये देखिए, मैंने धो लिए हैं, और एक ही आलू लिया है बड़ा, आप चाहें तो दो ले लें। अब हम आलू भी डालेंगे। अभी देखिए, ज्यादा है ना फ्राई नहीं करना है, और बस सॉटे करना है 1-1 मिनट के लिए। ये देखिए, बस फ्लेम हमारा हाई रहेगा। अब हम नमक डालेंगे इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हाफ स्पून। और हल्दी डालेंगे। तो इसमें हल्दी और नमक डल गया है, ये देखिए, और चलाएंगे इसको 1 मिनट के लिए, माने कि 30 सेकंड के लिए चलाएंगे और ढक के रख देंगे इसको। बीच में साइड में करेंगे और ढक के रख देंगे। अब हम है ना 1 मिनट चलाने के बाद में, अब हम इसमें आधी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, और धनिया पाउडर आधी स्पून, दोनों आधी आधी स्पून डाला है मैंने बराबर। अब हम है ना आधा कप पानी लेंगे, आधा कप पानी लिया है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और अब हम चलाएंगे नहीं, ये देखिए पानी दिख रहा है ना, बस तले में है पानी ताकि स्टीम बने, और वेजिटेबल में नहीं चलाना है। ये देखिए, साइड रख दीजिए, और इसमें ये स्टीम हो जाएंगी हमारी वेज। और अब हम ढक के रख देंगे 3 मिनट के लिए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए। और जो है ना हार्ड हमारी रमास की फली थी ना, इसको पानी में बॉईल कर लिया है मैंने, इसको फेंकना नहीं है। इसकी सीड तो मैंने कुछ उसमें डाल ली है, अब इसको बॉईल कर लेंगे। अब देखिए, हम है ना 1 मिनट के बाद खोलेंगे हम इसे, और अब चलाएंगे। ये देखिए, हमारी सीज गई है सब्जी, हमारी है ना बीन्स भी गल गई है और आलू भी गल गए, ये देखिए ना, ऑलमोस्ट है ना सब्जी हमारी हो गई है। ये देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप चेक कर लीजिए। ये देखिए, और है ना हमारे आलू भी गल गए हैं और सब्जी बीन्स भी गल गई हैं, और इसका है ना कलर और टेक्सचर भी खराब नहीं हुआ है। ये देखिए, ये देखिए हमारी सब्जी है ना, ये रेडी हो गई है। पता लग जाता है कि ये रेडी हो गई है, और समेट के इसको सरका दीजिए, रख दीजिए। ये देखिए, ऊपर से जो भी आप गरम मसाला खाते हैं, अब वो इसमें थोड़ा सा, दो चुटकी डालेंगे हम, ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर गरम मसाला नहीं है आपके घर में तो ब्लैक पेपर है ना, केवल है ना हम दो चुटकी डालेंगे। और ये कसूरी मेथी है, हाथ से रगड़ के डाल दीजिए कसूरी मेथी। और हमारी बीन्स भी रेडी हो गई है, नमक डाल के बॉईल कर लिया है, ये देखिए।
और ये काली मिर्ची है, अगर थोड़ा सा गरम मसाला है तो वो रख दीजिए और चला दीजिए, ढक के रख दीजिए, ये आपकी सब्जी बनके रेडी हो गई है ना। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है, और साइड डिश के लिए बहुत अच्छी है ये। पूड़ी से खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं, और लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी है। इसको ढक के रख दीजिए, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए, और हमारी सब्जी बनके रेडी है, और इसको ढक के रख दीजिए। ये देखिए, थैंक यू।